नमस्कार, मेंथा ऑयल मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो मेंथा में एक धीरे धीरे हलचल बढ़ना चालू हुई है। हम देखेंगे आगे सिनेरियो कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर वेबिनार अपडेट की बात करें तो जनवरी मंथ में हम कॉटन के ऊपर एक वेबिनार ला रहे और जल्द मेंथा के ऊपर भी हम एक वेबिनार का आयोजन करने वाले हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हम पहले पहुंच पाए और बता पाए कि मेंथा का वेबिनार कब हम ला रहे हैं। साथ में हमने इस वेबिनार के साथ साथ हम ले रहे हैं रेशियो एंड सीजनैलिटी, क्योंकि कोई भी कमोडिटी में जब आप ट्रेड करते हैं तो रेशियो और सीजनैलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी मंथ का रेशियो और सीजनैलिटी क्या कहती है इस वेबिनार में हम बताएंगे। मेंथा की अगर हम बात करें तो प्राइजेस टेक्निकली काफ़ी साउंड दिखा रहा है। पिछले एक हफ्ते में हमने 1.5% की तेजी, पिछले एक महीने में 7.5% की तेजी, पिछले तीन महीने में 6.5% की तेजी हमने मेंथा में बनते हुए देखी है। वॉल्यूम सीवियरली ड्रॉप हुए हुए हैं, ओआई 1000 के नीचे पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से कोई टेक्निकल आउटलुक क्लियरिटी के साथ नहीं आ पा रहा है। बट इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जब तक प्राइजेस 958-960 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। क्योंकि जिस ढंग से टेक्निकली 200 मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, प्राइजेस इसके ऊपर काफ़ी अच्छे हैं। वैल्यू वाइज भी अगर हम बात करें, अब प्राइजेस को 990 का एक रेजिस्टेंट बना हुआ है। अगर जनवरी वायदा 990 के ऊपर निकलता है तो हम नई तेजी के लिए मार्केट में आगा सकेंगे। बट इससे अगर फंडामेंटल की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में हमने 920-980 के बीच में मेंथा को ट्रेड करते हुए देखा है। जिस ढंग से कोरोना का जो कंसर्न है वो डिमांड को भी इम्पैक्ट कर रहा है और डिमांड को सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेडिसिंस और सैनिटाइजर्स के अंदर मेंथा का उपयोग काफ़ी हो रहा है। साथ में इस बार कोल्डेस्ट विंटर होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी फार्मास्यूटिकल डिमांड से। पिपरमेंट ऑयल की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे नेचुरल मेंथा का फ्लेवर इंपॉर्टेंट रहता है। डिमांड जो पिपरमेंट ऑयल की है वो एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं 5.3% के अगर से बढ़ेगी, जिसका कहीं ना कहीं मेंथा को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल हमें लगता है कि विंटर डिमांड और फार्मर किस ढंग से मूव कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर अभी भी ड्यूअल टैक्स लायबिलिटी के चलते एक असमंजस वाली सिचुएशन में पहुंचे हुए हैं। जब तक जीएसटी के ऊपर क्लैरिटी नहीं आती है, मार्केट में सीमित दायरा ही ट्रेड करेगा। टेक्निकली देखें तो जैसे एक हार्मोनिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया और हमने उसके बाद प्राइजेस को 970 का भी लेवल ब्रीच होते हुए देखा, बट अब कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। बट ध्यान रखिए 990 का इंपॉर्टेंट हर्डल है, 990 के ऊपर जनवरी वायदे में एक अच्छी तेजी मिलेगी, अदरवाइज 958-960 के करीब हम मेंथा को लेके चल सकते हैं। एज ऑफ नाउ मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में ट्रेड कर रहा है। सीजनैलिटी की अगर बात करें तो दिसंबर मंथ में ओवरऑल सीजनैलिटी तो नेगेटिव ही दिखा रही है, बट हमने देखा है कुछ प्राइजेस में रिकवरी जरूर थी बट कंसोलिडेशन फेज में है। एज ऑफ नाउ जनवरी की सीजनैलिटी वैसे देखा जाए तो पिछले 4 साल से हमेशा नेगेटिव ही रहा है। तो बड़े ब्रेकआउट के लिए 990 का वेट कीजिए। फिजिकल मार्केट में अगर चीज़ें इंप्रूव होती है तो कहीं ना कहीं मेंथा का उसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए मेंथा रेंज बाउंड है, बट ओवरऑल 990 के ऊपर नहीं बाइंग करनी है, अदरवाइज 960 से 990 का दायरा जनवरी वायदे में रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।